देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आ जाइए भैया, इसे सबसे ज्यादा संभालना, बाकी सारा सामान यहीं पे पहले रख दो, सेटअप बाद में करेंगे, ठीक है? आराम से आराम से। काउंट किए हुए हैं ना बॉक्सेस? हाँ। साधना जी, आपकी बेटी अपना दफ्तर खुद ही ले आई है। अच्छा, उसको आराम से रखना। सारे स्टैम्प्स ना पहले शेल्फ में जाएंगे, टेबल के ऊपर छोटा वाला लैंप और बड़ा वाला यहाँ पे रख देना, ठीक है? बाकी सब आराम से अनपैक करते हैं। काम तो तू घर से कर लेगी, पर दफ्तर की जरूरत तब भी रहेगी। हाँ। तू कहे तो हम किसी अच्छी सी जगह पे तेरे लिए दफ्तर किराए पे ले लेते हैं। जानती हूँ मम्मी, पर मैं सब कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक बड़ा सा इवेंट मिलने वाला है, अगर वो मिल गया ना तो ऑफिस भी मिल जाएंगे, सब हो जाएगा, सारे सपने पूरे होंगे मेरे। जरूर होंगे बेटा। हम भगवान से मना रहे हैं, हर बार की तरह इस बार भी तेरे सपने टूटे ना बेटा। मैत्री के ऑफिस को बोर्ड कहाँ गया? किसने हटाया? ऑफिस का ऑफिस भी खाली कर दिया। नंदू को जरूर पता होगा। नंदू, क्या हुआ? मैत्री के ऑफिस का बोर्ड किसने हटाया? उसका ऑफिस किसने खाली किया? मैत्री ने खुद किया है आके। वो आज टेम्पो में आई थी, अपना ऑफिस डिसमेंटल करके खुद लेकर गई है। What? हाँ शीश, पूछो, अपनी मम्मी से पूछो, ताई जी से पूछ लो, ये दोनों मेरे साथ थे। हाँ हाँ आंसू, मैत्री खुद आई थी, सामान ट्रक में लदवा के ले गई बेटा। हाँ बेटा। पर क्यों? क्यों करेगी वो ऐसा? आशीष, मैत्री बच्ची नहीं है, वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती है, उसे लगा होगा इसलिए वो चली गई। हाँ, और आशीष बेटा, उसने अपना दफ्तर हटाया है तो वो कुछ सोच समझ कर ही हटाया होगा। तुम परेशान मत हो। पापा, बात मेरी परेशानी की नहीं है, आई एम जस्ट वरीड कि मैत्री को कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि हम सब ने उसे अकेला छोड़ दिया है। वो 6 साल रही है हमारे घर में, उसने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और हमें भी उसका साथ देना चाहिए। एंड एट दिस पॉइंट, जबकि वो घर छोड़ के जा चुकी, मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जिससे उसे ऐसा लगे कि हम लोग अब उसके साथ नहीं है। हाँ। आशीष, काश अपनी बीवी की भी इतनी चिंता कर लेते। आशीष तिवारी, हर हर महादेव। नई शुरुआत करने जा रही हूँ महादेव जी, संभाल लेना। बेटा, तूने साबित कर दिया है कि काम जगह से नहीं, सोच से और दिल से बड़ा होता है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए पापा, अब सब अच्छा अच्छा हो। अरे पक्का अच्छा होगा, और ये भी बहुत अच्छा होगा। नंदू, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था इस टॉपिक पे इतना फोकस करने से। देखा मैत्री ने कैसे गेम के रूल्स पलट के सैक्रिफाइसेस का दिखावा करके सबके सामने महान बन गई। उसका ऑफिस हटवाने के लिए बुलाए हुए लोगों को भी मना करना पड़ा तुम्हें। आई नो, प्लीज आप बार बार बोल के मेरा और मूड ऑफ मत कीजिए। आई नो, भले ही मैत्री इस बार जीत गई हो, लेकिन अगली बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। वो अपनी सो कॉल्ड न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाली है ना, लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि उसकी न्यू लाइफ का दी एंड करने वाली हूँ। What? क्या हुआ बेटा? पापा, मेरी 6 साल की मेहनत
क्लाइंट्स का डेटाबेस, सारे प्रेजेंटेशंस, सब कुछ गायब है इसमें से। पापा, कल एक बहुत बड़े इवेंट के लिए मीटिंग है क्लाइंट से, उसके लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था, वो भी गायब है यहाँ से, पता नहीं किसने डिलीट कर दिया है, अब मैं क्या करूंगी? मैंने मैत्रेयी कंपनी का सारा डेटाबेस, उसकी क्लाइंट लिस्ट सब चुरा के अपने हार्ड डिस्क में सेव कर लिया। 6 साल लगे थे ना उसे डेटा तैयार करने में, अब 6 मिनट भी काम नहीं कर पाएगी। अब पता चलेगा मम्मा उसे कि किसी का सब कुछ छीनने का दर्द क्या होता है। उसे मैं एहसास करा के रहूंगी कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है। मम्मा, आई प्रॉमिस यू, मैत्री के साथ साथ उसकी इवेंट कंपनी भी ना मैं बर्बाद करके रख दूंगी। इस लड़की को जितना भी समझाओ कुछ नहीं होने वाला। मैत्री से पीछा छूटा लेकिन आशीष अभी भी गले में अटका हुआ है। क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। मेरी अब तक की 6 साल की मेहनत सब वेस्ट हो गई, सब जीरो हो गया पापा, सब कुछ जीरो हो गया। पापा, आप समझ रहे हैं, कल मीटिंग है, कल मुझे वो इवेंट कैसे मिलेगा, मैं क्या प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी, सब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूंगी, वो इवेंट मुझे कैसे मिलेगा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा बेटा। कैसे पापा, कैसे, सब कुछ धुल गया, सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगी, कल प्रेजेंटेशन के लिए क्या हुआ मैत्री तुझे, क्यों इतनी परेशान है, शांत हो जा, बताओ ना क्या हुआ है। इसके लैपटॉप से ऑफिस का सारा डेटा गायब है और जो कल प्रेजेंटेशन करने वाली है वो भी गायब हो गया। ऐसे कैसे गायब हो गया? सचिन प्लीज कुछ करो, मेरा डेटा, मेरी प्रेजेंटेशन। डेटा परमानेंटली डिलीट हो गया है, कोशिश कर रहा हूँ रिकवर करने की पर नहीं हो रहा। अरे तो कोई और रास्ता निकल आएगा ना। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी से ज्यादा अपनी बेटी पे भरोसा है, तू कर सकती है बेटा। कितनी बार हुआ है दीदी कि आपने प्रेजेंटेशन से एक रात पहले प्रिपेयर किया है और अगले दिन डील्स लॉक भी किए। हाँ हाँ, प्रेजेंटेशन तो कल है, अभी पूरी रात बाकी है। अगर मैंने रात भर जाग के मेहनत कर ली तो एटलीस्ट मैं कल के लिए रेडी हो सकती हूँ। ये की ना हमारी बेटी वाली बात है, शाबाश। और डेटा की आप टेंशन मत लो, मेरे ऑफिस में एडवांस सॉफ्टवेयर है, मैं वहां से डेटा रिकवर करवा लूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा, आप बस कल के क्लाइंट पे फोकस करो। और बेटा तुझे जो मदद चाहिए ना हम सब मदद करेंगे तेरी, तू खाली हमें ये बता देना कि कब, कहां और कैसे क्या करना है। हाँ, हिम्मत मत हारना। हाँ, शाबाश। वैसे मानने वाली बात है, इन 6 सालों में मैत्री ने बहुत मेहनत की है, तभी तो इतने सारे क्लाइंट्स बना लिए। मिस्टर पांडे, मिस्टर शेखर, मिसेस शेखा, वाओ, मिस्टर एंड मिसेस ओबेरॉय, इस कपल के साथ तो काफी काम किया तुमने। जितना उड़ना था मैत्री तो उड़ चुकी, लेकिन अब तुझे खींच के नीचे गिराने का टाइम आ गया है। ये मैसेज तेरे क्लाइंट्स को मिलते ही तुझसे तेरे इवेंट्स वो छीन लेंगे। ये स्पेशल मैसेज जाएगा मैत्री के स्पेशल क्लाइंट के लिए, मिस्टर एंड मिसेस ओबेरॉय। इन 6 सालों में काफी काम कर चुकी है मैत्री इनके लिए, उनके फैशन शोज, लिटरेचर फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल्स, सब कुछ ही तो हैंडल किया है इसने। वेरी नाइस, लेकिन अब तू कुछ भी हैंडल करने लायक नहीं बचेगी,
समझी? का सारी रात की जागी है, कैसे करेगी? कर लूंगी मम्मी, करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। हे महादेव जी, आपने वैसे तो हर मीटिंग में मेरा इतना साथ दिया है, पर आज आज थोड़ा ज्यादा साथ दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, संभाल लेना। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। अरे रे रुक, दही चीनी खा के जा। पापा। अरे खुश रहो बेटा, मेरे साथ साथ आप भी पूरी रात जागे, इतनी मेहनत की, अब यहाँ से जिम्मेदारी मेरी। आग लगा देना दीदी, ऑल द बेस्ट, बाय। ऑल द बाय बाय बाय। कहीं परेशानी में मैत्री ने गलती से अपने ही लैपटॉप से काम का डेटा तो नहीं डिलीट कर दिया? ये नहीं हो सकता, इसके पीछे कौन था, क्यों था, ये हमें पता लगाना है। अरे 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 वकील साहब, किधर किधर, ब्रेकफास्ट तो करो। नहीं नहीं मैम, नंदू ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ, आज मैं लेट उठा, कोर्ट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग है, आप लोग खाना खाओ, मैं कोर्ट की कैंटीन से कुछ खा लूँगा। अरे ऐसे कैसे खा लो है कैंटीन से, दो मिनट दो, मैं पराठा फोल्ड करके देती हूँ, ऑन द वे खा लेना, रुक जा रुक जा बस। हाँ 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 योगेश बोल, 10 मिनट में आ रहा हूँ। अरे पापा तो चले भी गए। मम्मा इतनी मिर्ची वाला खाना कौन बनाता है? लगता है आपको कुकिंग आती नहीं है। भूखे रहो फिर, जब भूख लगी तो यही खाना, फिर तो सुबह सुबह इतनी मेहनत। अरे नंदे, फिर उनके ड्रामे भी सहो। वो मैं कह रही थी कि एक्चुअली मुझे तीखा खाना पसंद है ना, तो इसलिए मैंने तीखा बनाया। कोई बात नहीं, अगर अभी उसे आदत नहीं तीखा खाने की, लेकिन हल्के हल्के करके हो ही जाएगी। एक्चुअली मिर्ची ना इज गुड फॉर आइज, तो इसलिए मैंने बनाया है। पर कोई बात नहीं, अगर नंदिश को पसंद नहीं आया तो मैं कम मिर्ची की कोई डिश बना के लेके आती हूँ। हाँ दाई जी आप लीजिए, आपकी प्लेट में खत्म हो रहा है, आप लीजिए ना। अरे ये खाने में मिर्ची डालती है कि मिर्ची में खाना? जी जी 6 साल बाद तो रसोई में गई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अरे भैया जल्दी जल्दी सीखे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं हमारे पेट से मिर्ची का पौधा उगने को तैयार हो रहा है। पांच मिनट बचे हैं मैत्री, इतनी लेट कैसे हो गई? चार मिनट रह गए, जल्दी कर मैत्री। ओके काम डाउन,
अभी भी 3 मिनट है, चल। हाय, गुड मॉर्निंग, मैं मैत्री। अपॉइंटमेंट है मेरा मिस्टर एंड मिसेस ओबेरॉय के साथ, देखिए। मैम, आपका अपॉइंटमेंट था, अब नहीं है, कैंसिल हो गया, सो वेरी सॉरी। कैंसिल? अरे मेरी मीटिंग थी, कैंसिल कैसे हो सकती है? मैम ये तो मुझे नहीं पता, यही इन्फॉर्म किया गया है, आपकी मीटिंग होने ही वाली थी बट अब नहीं होगी। अरे आप, ऐसे कोई तो रीजन होगा ना मीटिंग कैंसिल करने का, मैं टाइम पे भी आई हूँ। देखिए प्लीज, मेरे लिए ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, रात भर जाग के मैंने प्रेजेंटेशन की तैयारी की है, प्लीज प्लीज मुझे मिलने दीजिए ना उनसे। मैडम ये सब हमारे बस में नहीं है, हमें जितना बोला गया है हमने आपको बता दिया, सो प्लीज सॉरी। अरे लेकिन तो ठीक है, मैं भी वो किए बिना यहाँ से जाऊंगी नहीं जो मैं करने आई थी। मुझे या तो मिस्टर ओबेरॉय से मिलवाइए या उनकी वाइफ से मिलवाइए, मैं उनसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। आई विल वेट ओवर हियर, 6 साल से उनके इवेंट्स करा रही हूँ, ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे मुझसे? देखिए मैम, दोनों बिजी हैं, आज रात तक उनकी डिफरेंट मीटिंग स्केड्यूल है तो वो आपसे मिल नहीं पाएंगे। हाँ तो ठीक है, लंच ब्रेक तो होता होगा तब मिल लूंगी मैं उनसे, और अगर कभी भी फ्री नहीं हुए तो रात को घर तो जाएंगे ना, मैं तब मिल लूंगी, पर मैं यहीं रुकूंगी। इतने साल में ऐसे तो कभी वेट नहीं कराया, फिर आज क्या हो गया? मैत्री की अपॉइंटमेंट है यहाँ पे, इतनी देर से अंदर गई है, अभी तक आई क्यों नहीं? आखिरकार अंदर चल क्या रहा है? मुझे खुद ही अंदर जाकर देखना होगा। मैत्री दिख क्यों नहीं रही है? ये तो यहाँ बैठी हुई है, अच्छा अपनी टर्न का वेट कर रही है ये। लगता है कुछ गिरा बाहर। हवा से तो गिरेगा नहीं, कोई तो शायद होगा यहाँ।